सबसे बड़े निःशुल्क टीकाकरण अभियान में सरकार की मदद कर रहे गुवाहाटी के विभिन्न सामाजिक संगठन। इस महाअभियान को विस्तार देने के लिए आगे आए विप्र युवा एवं सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान नगर के फाटासील आमबारी के हिंदी भाषी विकास परिषद के सहयोग से चलाया जा रहा वैक्सीनेशन कैंप। परिषद के अध्यक्ष जुगल किशोर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया इस कैंप का उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा का किया आभार व्यक्त। असम को स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए सरकार को दिया समर्थन का भरोसा। बोले सतगुरु देव भगवान की जय। ओम साईं देव सब सर्वमिता विपरासुवा यद भद्रं तन धरासुवा। ओम हिरण्यगर्भ संवर्तताये भूतस्य जाता वदिरे कयासि सदा धारति देवं यामुदेवं कस्मै देवाय विश्वाधिदेवा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो विधत्सवा स्वस्ति न पुष्पा विश्ववेदा स्वस्ति न साचर्यो हरिश्चनेमि स्वस्ति न बृहस्पते ददातु। अरे कुछ दिन पहले है जो हम लोग विहंगम योग संस्थान के द्वारा मुझसे चर्चा हुई थी इसके बारे में, इसके इस चर्चा में जो सक्रिय थे वो माननीय हमारे हिंदी स्पीकिंग रेगुलर काउंसिल के सदस्य श्री दिनेश पारिक जी और जो हमारे जो हिंदी जो हमारे प्रातः खबर के जो संपादक हैं माननीय चंद्र प्रकाश शर्मा जी, तो इनसे बातचीत करने के बाद हमें लोगों ने कहा कि इस तरह का जो है यहाँ पर अगर ये सदगुरु सदाफल विहंगम योग के केंद्र में अगर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो तो अच्छा रहेगा। उसी दरमियान हम इनसे बातचीत करने के बाद हम लोग हमारे जो एक मैंने ये है आपका विप्र युवा समाज है, तो जो कि वो एक मैंने आपका एनजीओ भी उसके साथ में है और सेवा का भावना उनके अंदर बहुत अच्छा है और सेवा ही करते हैं समाज में जो भी है सब सेवा में लगे रहते हैं, तो उनको हम लोग आगे करके बाकी हिंदी आपका हिंदी स्पीकिंग डेवलपमेंट काउंसिल सब मैंने उनका हम लोग समर्थन किया और जितने भी कार्यक्रम था उसमें हम लोग सहयोग करके आज यहाँ वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ हुआ है। इसमें हमारे समाज के सब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और खासकर जो हमारे ये हैं आपका चंद्र प्रकाश शर्मा जी हैं, हमारे कन्हैयालाल कुकुरवा जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, दीपक शर्मा जी हैं और भी हमारे जो लोग हैं सारे लोग जो हैं इसमें सहयोग कर रहे हैं और हमें आशा है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक असम राज्य के प्रति जो एक स्वस्थ अभियान जो उन्होंने छेड़ा है कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगे और सभी आदमी जो कोरोना महामारी से स्वस्थ रहे, उसके लिए उन्होंने जब स्वास्थ्य मंत्री थे तभी उनका वही दिन रात कार्यक्रम चल रहा था कि कैसे आसाम को स्वस्थ रखे सुरक्षित रखे, उनका सबसे बड़ा यही माने आंतरिक इच्छा रहा है कि असम जो है पूरे भारत में एक अव्वल राज्य बने, प्रगतिशील हैं और विकसित रहे। तो उनका जो जो ये है जो उनका मुहिम है उस मुहिम में हम सबका भी जो है सेवा का हम लोग सहयोग कर रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में जब से वो कार्यभार असम का संभाले हैं तब से तो उनका एक अलग ही स्वरूप देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटा जो है असमिया जो है असम और असमिया समाज का मैं सेवा करूँगा, तो 72 असमिया समाज के हम लोग भी अभिन्न अंग है, इसलिए हम लोग भी जो है इस असम के विकास सभ्यता और सुरक्षा के लिए हम लोग भी दिन रात जो है सेवा में लगे हैं। सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान पूर्वोत्तर के सचिव दीपक शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जो वैक्सीनेशन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व के मार्गदर्शन में चल रहा है, हमारा सदगुरु सदाफल देव विहंगम संस्थान जो हमारे स्वामी जी हमेशा स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए बोलते थे, आज उन्हीं का ये प्रांगण शुभ कार्य में काम आ रहा है, तो हम असम के मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं
और साथ में हमारा जो स्वामी जी का संकल्प है जीव जंतु के परमत कार्य के लिए, उसे और अग्रसर बनेगा। और हमारा परम सौभाग्य भी है कि विहंगम योग का ये आश्रम आसाम वासियों के लिए सेवा के लिए काम किया है। ये कैंप जो है विहंगम योग आसाम का पूर्वांचल और अपने जो त्रिपुरा आसाम के साथ मिलकर और हिंदी भाषी का इनका साथ में सहयोग है, मिलकर हम लोग कैंप कर रहे हैं। और कल भी बहुत अच्छा रिस्पांस था और उस रिस्पांस को देखते हुए असम सरकार ने इसको डबल वैक्सीनेशन कर दिया है, बढ़ा दिया है। और हम जब तक सरकार चाहेगी हम पूरा पूर्ण सहयोग देंगे इस वैक्सीनेशन। कैमरामैन लाटू चौधरी के साथ एकता चौबे की रिपोर्ट, थर्ड आई न्यूज़ गुवाहाटी। बाकी खबरों के लिए बने रहिए थर्ड आई न्यूज़ के साथ।